हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हैं पीटी रेसिपीज़। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करेले की सब्जी। करेले की सब्जी वैसे तो कड़वी होती है, पर आप हमारे तरीके से बनाकर देखिए, ये आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो सबसे पहले करेले अच्छे से धो लेंगे और इसके ऊपर के ये जो छिलके हैं ये हटा लेंगे। ये छिलके जो होते हैं हरे, ये बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, तो इसे हम पहले हटा देंगे। इस तरह से सारे जो है करेले छील लेंगे। इसके बाद इसको हम गोल गोल काट लेंगे। इस तरह से करेले सारे काट लेंगे। काट लेने के बाद में ये जो करेले है इसके अंदर जो बीज है, तो कुछ बीज कौली होती है उसे रख देंगे, और कुछ बीजें जो होती है वो हार्ड होती है, कड़ी होती है, उन्हें हम हटा देंगे। तो जितनी भी जो हार्ड सीड्स है उसे हम पहले हटा देंगे। उसके बाद इसको हम नमक लगा के 10 मिनट रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको अच्छे से साफ पानी से धो लेंगे। अब हमें चाहिए सामग्री, 2 प्याज अच्छे से बारीक काट लेंगे, थोड़ा लहसुन 7-8 कलियाँ, 2 हरी मिर्चें, 1 टमाटर सबको बारीक काट लेंगे, 2 आलू इनके ऊपर के छिलके हटा के इसे टुकड़ों में काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में। अब तेल गरम करते हैं कढ़ाई में और इसमें सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। करेले की सब्जी में जब हम आलू मिलाते हैं तो जो उसका कड़वापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, उतने ज़्यादा कड़वे नहीं लगते। एक तो प्याज जब डलता है तो प्याज भी थोड़ा सा क्या है, प्याज में भी मिठास होती है, और आलू है आलू में भी मिठास होती है। तो जब भी आप करेले बनाएं तो उसमें प्याज और आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी रखिए ज़रूर, इससे करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इस तरह से हम आलूओं को बहुत अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसको निकाल के साइड में रख देंगे। आलूओं को अच्छे से फ्राई कर लिया। इसी तरह से आप अगर ज़्यादा आलू लेना है, 2 की जगह 3 लेना है, तो आप 2-3 बैचेस में इसे फ्राई करके रख लीजिए। तो आइए अब हम बनाते करेले की सब्जी। इसी तेल में अब हम डालेंगे जीरा। जब जीरा तड़तड़ाने लगे तो इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हमें अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम मीडियम पर रखें और करीब 2 मिनट तक इसे बहुत अच्छे से हमें भूनना है। 2 मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे करेले। अब इसमें डाल देंगे हम करेले। इन करेलों को काटने के बाद हमने थोड़ा सा नमक लगा कर धो लिया था, तो नमक कम से कम 10 मिनट लगा कर हमने रखा था और उसके बाद इसको वॉश कर लिया था, इससे उसका कड़वापन कम हो जाता है। इन करेलों को ऐसे ढककर बिल्कुल नहीं पकाना है। ढककर पकाने से क्या होता है कि उसका जो कड़वापन है वो अंदर ही अंदर रह जाता है, इसलिए जब भी करेले पकाने इसे हमेशा कढ़ाई को खुला ही रखें। जैसे जैसे करेले पकते जाएंगे इसकी जो स्मेल है, जो कड़वाहट है, वो उड़ती जाएगी। तो धीमी आंच पर हमें इसे ऐसे उलट पुलट करते रहना है और इसे पकाते जाना है। करीब 5-6 मिनट में ये 80% पक जाएगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। याद रखिए, इसके पहले हमने करेले में नमक लगाकर धोया था, इसलिए नमक कम ही डालना है। फिर बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दें, सबको अच्छे से मिला लें और धीमी आंच पर पकने दें।
तो करीब 4-5 मिनट हमें ऐसे पकाना है। टमाटर पूरे गल जाने चाहिए। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला। ये देखिए टमाटर अच्छे से गल गया है। अब बारी है आलू की, तो ये फ्राइड आलू हम इस सब्जी में मिला देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक और हम इसे 2-3 मिनट पकने देंगे। ये देखिए करेली की सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया डाल के मिला लीजिए। और इसके बाद हम इसे करीब 1-2 मिनट के लिए और रख देंगे और आपकी सब्जी परोसने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसके साथ हमने बनाया है गर्मा गर्म फुलके। ये देखिए ये रोटी तैयार है बिल्कुल। और अब हम इसे खिलाएंगे और देखेंगे कि सामने वाले का रिएक्शन क्या आता है। तो ये बहुत ही टेस्टी दिख रही है ना, शानदार, बहुत ही टेस्टी करेले की सब्जी हमने थाली में निकाल ली। फ्रेंड्स इस तरीके से आप बनाकर जरूर देखिए, देखिए आपको ये टेस्टी, बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसमें कड़वापन भी बिल्कुल नहीं लगेगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रा खाकर बताइए कैसी बनी। बहुत बढ़िया। कड़वी तो नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है, हमारी रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।